खबर रायसेन से है, जहां पर मध्य प्रदेश वन कर्मचारी महासंघ की बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल तिवारी ने यहां अब्दुल्लाकंज वन मंडल सामान्य रायसेन के DFO, SDO और रेंजर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। निर्मल तिवारी का आरोप है कि वन महकमे के अधिकारी पाकल हाथी की तरह छोटे कर्मचारियों को निपटा रहे हैं और उन्होंने मांग की है कि जल्द ही मामले का निराकरण किया जाए, अन्यथा 12 दिसंबर से प्रदेश भर के वन कर्मचारी वन विभाग का बैतुल्लाकंज के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अब्दुल्लागंज वनमंडल में मेरी DFO साहब से ही बात हुई है, उनका ये कहना था कि भाई सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है, तो हम भी समझते हैं कि सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप IFS हो तो आपको SDM के खिलाफ, जिसने वहां पे पंचनामा बनाया कहा कि जमीन हमारी है, उसके खिलाफ आपको PR करवाना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं बहुत जल्दी इसमें निर्णय करके बताता हूं और हमने जांच कमेटी बनी है। मेरे कहा जांच कमेटी कुछ नहीं करेगी, आपका वर्किंग प्लान क्या कर रहा है? एक नाकेदार की जरा से कुछ गड़बड़ हो जाती तो वर्किंग प्लान। तो फिर मैंने उनको बताया किस्सा इंदौर का, देखिए था छोटा कर्मचारी क्या हिम्मत करेगा। इंदौर के अंदर जब उषा ठाकुर वाला मामला हुआ, रामचरण दुबे वाला, तो इंदौर की कार्य आयोजना की टीम क्या कर रही थी, और आज भी वो 150 एकड़ जमीन पर कब्जा करके बैठा है। देखिए अब्दुल्ला